नमस्कार दोस्तों, आपका NPTEL के इस NCR सब्जेक्ट के समरी में आपका स्वागत है। ये समरी का 7वां पार्ट है। तो इस पूरे पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो कोई एक नेशन या कोई एक वर्ड या कोई एक रीजनल फील्ड एनर्जी जितना यूज करता है उसके रिस्पेक्ट में क्या उसका डेवलपमेंट होता है, क्या उसके डेवलपमेंट से और उसके एनर्जी के यूज करने में कोई रिलेशन होता है। तो ये हमारा गोल है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब होता तो है लिंक, इसी के प्रूफ को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इंडिया का जो एक मतलब चार्ट कह लीजिए तो दिखाया गया है कि GDP एंड एनर्जी यूज के बीच में है। अब जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि एक जो वाई एक्सिस है उस पर शो किया गया है पर कैपिटा GDP, मतलब जो एक नेशन की GDP होती है अगर हम उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो फिर एक पर्सन पर कितना GDP आ रहा है ये निकल आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि और एक जो ग्राफ शो किया जा रहा है वो एनर्जी यूज का शो किया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया ग्राफ है। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि दोनों का ट्रेंड एकदम से सेम है। अगर हम 2005 के बाद से देखें और इधर के ईयर में देखें तो एकदम सेम, मतलब अगर कोई नेशन जितना या इंडिया का ये ग्राफ है तो इंडिया जितना एनर्जी यूज कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में उसका उतने डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर जितना एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो हम एनर्जी तो और यूज करें तो हमारा और डेवलपमेंट हो। लेकिन अब आइए देखते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो और यहाँ एक है कि जो हमारे नेशन में जो ये पांच स्टेट हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात, इनकी हाईएस्ट GDP है। मतलब अगर ये जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GSDPS, तो इनकी पांचों की हाईएस्ट GSDPs क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं। अब जैसे देखिए कि फर्स्ट मतलब अगर पावर इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो वेस्टर्न रीजन में जो फर्स्ट पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया था, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो नॉर्दर्न रीजन का सेकंड पावर प्लांट था वो उत्तर प्रदेश में इंस्टॉल किया गया था। तमिलनाडु में भी ऐसे ही है, कर्नाटक में भी ऐसे है। तो ये जो ये प्रदेश दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मतलब जो इनके यहाँ पावर इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट सेकंड, और वहीं जो हमारे नीचे के जो स्टेट्स दिख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इनकी ग्रोथ उतनी नहीं है क्योंकि इनके यहाँ जो पावर का इंस्टॉलमेंट है वो बहुत कम है। तो देखते हैं कि अगर कोई भी प्रदेश या कोई भी स्टेट अगर ज़्यादा उसे एनर्जी मिल रही है यूज करने के लिए तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अब इसको हम यही छोड़ते हैं और ये दूसरी चीज़ को देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन है पार्ट पर मिलियन में वो देख रहे हैं। तो अगर 1960 से थोड़ा सा पहले को हम देखें तो 320 PPM से थोड़ा कम था, लेकिन अगर ये हम आज जाकर देखें 2017-18 में तो ये 400 पार्ट पर मिलियन से ऊपर निकल गया है। मतलब कि CO2 का, अब यहाँ से सिर्फ हमें इतना समझना है कि हम ये देख रहे हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन डे बाई डे इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है। अब बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी से ये भी पता चलता है कि अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसका डिफेक्ट क्या होता है, सन से जो रेज आती हैं वो पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जाती हैं। लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और एक बात यहाँ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो सन से रेडिएशन आती है उनकी वेवलेंथ पहले दूसरी होती है और फिर जब रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उनकी वेवलेंथ दूसरी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर CO2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो वो उस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। मतलब जितनी हीट आई उतनी ट्रांसफ़र तो नहीं हुई, मतलब कि अब हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा अर्थ धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका इफेक्ट ये है। अब ये देख रहे हैं कि जैसे पहले क्या था, मतलब जैसे ये जो हमारा डाटा दिखाया गया 1960 से कुछ पहले का है, लेकिन उससे पहले हम कैसे पता करते थे कि CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? तो उसके लिए क्या होता था कि मतलब जैसे आइस है तो आइस के ऊपर मतलब एयर है, फिर उस पर आइस का एक लेयर आ गया, एयर है आइस का, मतलब एयर ट्रैप्ड हो जाती थी, एयर के बबल्स उन्हीं के बीच में दब जाते थे जिन्हीं से हमें मतलब उन्हीं की स्टडी से हम CO2 का कंसंट्रेशन पता लगाते थे। लेकिन पिछले 400,000 सालों में
ऐसा कभी नहीं हुआ कि CO2 का कंसंट्रेशन 300 ppm को पार कर गया हो। मतलब कि अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 0.03% होता है। और आज हमने अपने पिछले समरी में देखा था कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो 0.04% है। अभी भी हमने देखा कि 400 ppm को ये पार कर रहा है। तो अब कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? तो पीछे के समरी में हमने ये भी देखा था कि पिछले 150 सालों से हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल या कार्बन बेस्ड फ्यूल यूज कर रहे हैं, जिनसे CO2 एटमॉस्फेयर में डे बाई डे क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। और जो इन्वायरमेंट में बहुत सारा कंसंट्रेशन चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम पहले तो ये बात करते हैं कि हम जितना एनर्जी यूज करेंगे हमारा डेवलपमेंट उतना ही होगा। अब बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो दिक्कत हो रहा है। तो अब यहाँ हमारा कोर्स काम आएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यही काम आएगा। हम यहाँ इसको पता कर रहे हैं कि अभी हम प्रॉब्लम को पता कर लें, जब आगे की समरी पार्ट या आगे जब हम पढ़ें तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी तो हम अटैक अच्छे से कर सकेंगे। तो अब हम ये यहीं पर मतलब इसको छोड़ते हैं। बस हमें यहाँ से ये पता चल गया कि CO2 का कंसंट्रेशन डे बाई डे इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं या ऐसे ऑयल यूज कर रहे हैं जो कार्बन बेस्ड फ्यूल हैं। अब देखते हैं ग्लोबल लैंड ओशियन टेम्परेचर एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है? मतलब अगर नॉर्मल से थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है उसको हम एनोमलीज कहते हैं। तो यहाँ भी एक प्रूफ देख रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि 1980, 1990, 1920 तक तो होता था कि नॉर्मल से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता था, लेकिन 1960 से और 2020 तक देख रहे हैं कंटिन्यूसली टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती जा रही है इन्वायरमेंट में, जिसके थ्रू टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे इतने प्रूफ गलत नहीं हो सकते अगर इतने सर्वे किए गए हैं तो। हाँ, ये बात मतलब सही है कि हम जो कार्बन बेस्ड फ्यूल यूज कर रहे हैं इनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब देखते हैं और एक प्रूफ हम देख लेते हैं। जो हम अगर पिछले मतलब जो भी 10 वार्मेस्ट ईयर अगर ले लें तो देखिए, जैसे 2016, 15 और यहाँ देखते हैं 13, 12 और 10 और 9, तो मतलब जो पिछले 10 नेशन हैं वो टॉप वार्मेस्ट नेशन में आ रहे हैं। मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें यहाँ प्रॉब्लम यही समझ में आई कि सबसे पहली बात तो समझ में आई कि ग्रोथ का या GDP का एनर्जी से लिंक है। हम जितनी एनर्जी यूज करेंगे उतना ही हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी यूज करना होगा जिससे कि क्या हो, एटमॉस्फेयर में हमारे डिफेक्ट ना हो। अब जैसे कहा जा रहा है कि जैसे मान लो हम बायोगैस को यूज कर रहे हैं, मान लो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप, तो उससे भी तो कार्बन जनरेट होगा। तो मतलब हम ऐसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऐड ना हो और टेम्परेचर हमारे अर्थ का इतना ना बढ़ जाए आने वाले कुछ दिनों में कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा होने लगे, मतलब अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो अगर आप पूरी समरी मतलब और सारी समरी देखना चाहते हैं जो पिछली है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं समरी ऑफ NPTEL लेक्चर्स, तो आपको ये सारी समरी मिल जाएगी। क्योंकि सारे पार्ट देखना ज़रूरी है तभी समझ में आएगा। आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।